गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और गाइज इस वक्त हम पहुंच गए हैं कोलकाता के वन ऑफ द फेमस टी शॉप जिसका नाम है फालतू चाय। फालतू चाय के टी शॉप पे अभी पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं फालतू चाय का चाय को पीकर देखने, और पीकर देखने के बाद आपको हम बताएंगे कि क्या कैसा इसका टेस्ट है, क्या ये सच में नाम के तरह है, जिस तरह का नाम उस तरह का काम, या फिर नाम के अपोजिट है। वैसे ये फेमस तो बहुत ज़्यादा है। तो बस अब मैं जा रहा हूँ फालतू शॉप पे और चाय लेता हूँ और चाय लेने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये धर्मतल्ला में ही पड़ता है। आप धर्मतल्ला में आकर उसके बाद गूगल में जैसे ही सर्च करोगे फालतू टी शॉप, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगा। आप उसके थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं। कितने का भैया ये? कितने का है? 20 का। और छोटा वाला ये वाला 15, और वो वाला 10 का है ना। और ये पाव रोटी हम लोग को इसका दे दीजिएगा। ये कौन सा है? एक ही पीस, और इसमें से एक दे दीजिए। बटर मीठा वाला, चीनी गोल मेरे यार, पीनट बटर एक ये भी दे दीजिए हम लोगों को। पीनट दे दीजिए। ये पीनट है। कितना हो गया? 36। और ये गाइज हम लोग ले लिए हैं खाने के लिए, 36 का बिल बना। हाँ कितना आइटम, मतलब कितना टाइप वैरायटी था? ये दो ही है ना? दो ही है। ये एक केली, ये मिक्स फ्रूट हो गया, मिक्स फ्रूट, और ये पाइनएप्पल, और वो वाला एक टोमेटो, एक अलग जो आता चेरी वो वाला। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो गाइज मैं अब टेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले ये नॉर्मल ब्रेड का टोस्ट है, इस पर ये चीनी लगाया हुआ आप देख रहे हैं, और अब मैं इसको खाकर देखने वाला हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइज इसका टेस्ट जो है एकदम नॉर्मल, जैसे ब्रेड टोस्ट मक्खन रहता है, ब्रेड मक्खन रहता है, तो तरह से ये नॉर्मल टेस्ट है इसका। तो गाइज मैं अब ये ट्राई करने वाला हूँ, पीनट्स विथ ब्रेड। देखिए ये पीनट्स विद ब्रेड है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। अभी तक तो मैंने पीनट्स विद ब्रेड कभी नहीं खाया था, लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम इसको खाकर देखने वाला हूँ कैसा लग रहा है। ये जनरली हर जगह मिलता नहीं है, तो अगर आपको भी खाने का मन है, बहुत लोग हम में से बहुत लोग हैं जो इसको नहीं खाए होंगे, अगर खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके फालतू टी सेंटर पर आके इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ये एज अ नॉर्मल टेस्ट है, ठीक ठाक अच्छा है। आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ज़रूर खा लीजिए इसको आके। तो गाइज ये है मलाई ब्रेड, फाइनली अब मैं इसको खाकर टेस्ट करने वाला हूँ। तो गाइज ये जो मलाई ब्रेड है, ये तीनों में बेस्ट है। इसका टेस्ट मुझे सबसे बेस्ट लगा, ये मलाई ब्रेड काफ़ी अच्छा लगा। और गाइज आप इसको मॉर्निंग या इवनिंग जब चाहें, आप जब भी आपका मन करे स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इसको ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मलाई ब्रेड ज़रूर खाएं। और ये जो टी शॉप है फालतू टी शॉप, ये आपका सुबह से ही ओपन मिलेगा, यानी सुबह 5 बजे ये गाइस ओपन हो जाती है और रात के 12 बजे तक खुली रहती है ये शॉप जो आप देख रहे हैं, फालतू टी सेंटर। भाई बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इसका, ये इसीलिए बेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है इसीलिए ये बेस्ट है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, आप भी जरूर इसको ट्राई करें, बेस्ट आपको भी लगेगा मलाई ब्रेड। तो दे दीजिए 2-10 वाला भैया। और क्या इस वक्त हम लोग चाय ले रहे हैं। और ये हम ले रहे हैं अपना चाय। चाय देखिए हम लोगों ने ले लिया है। तो गाइज मैं अब ये फालतू चाय पीकर देखने वाला हूँ। वाओ गाइज दैट्स रियली ऑसम टेस्ट, टेस्ट बहुत ही झकास है, बहुत ही शानदार है। इसीलिए ये गाइज बिल्कुल नाम के अपोजिट है। इसका नाम जो फालतू है,
ये फालतू सिर्फ नाम है बट काम फालतू का नहीं है, बहुत ही सही में ये फेमस शॉप है। और गाइस भारत में बहुत ही लोग ऐसे हैं जो चाय के बहुत ही शौकीन है, चाय बहुत ही पीना चाहते हैं। तो गाइस यदि आप कोलकाता में हैं तो फालतू चाय ज़रूर विजिट करें, और यदि आप कोलकाता आना चाहते हैं तो कोलकाता जब भी आएँ तो ज़रूर से ज़रूर एक बार फालतू चाय पिए, बहुत ही हिट टेस्ट है, सुपर्ब। होप गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।